I'm gonna smoke at the ganja until I go blind. You know I smoke at the ganja all of the time. Smoke at the ganja when I'm with friends. We gonna smoke at the ganja till the very end. एक तू और एक तेरा वो नाकाम बेटा, एक पैसे की अक्कल नहीं उसमें, ना जॉब है ना पढ़ाई पूरी हो रही है जनाब से, अल्लाह जाने कब अक्कल आएगी उस नालायक में। जाने दीजिए ना, क्यों खामखा चिल्ला रहे हो उस पर, कर लेगा वो कुछ वैसे भी, लिखने में काफी दिलचस्पी है उसे, तो करने दीजिए उसे जो करना है वो। अरे कैसी दिलचस्पी, कभी कुछ कमा भी पाएगा कैसे लिख कर? वो कोशिश तो कर ही रहा है ना। अरे तो जिंदगी भर कोशिश ही करता रहेगा या चार पैसे कमा के घर भी लाएगा? खुदा के वास्ते अब बस भी करो आप। तो चुप ही रहो, तुम्हारे अब्बू से ही सीखा है वो ये सब। भाई 15,000 उधारी है तेरा, देगा ना भाई, तेरा सारा देगा भाई। सुन भाई, भाई सुन भाई, बात सुन नहीं आज के लिए दे दे तेरा, नहीं मेरा अगले महीने सारा पैसा आ जाएगा, तेरा दूंगा पैसा मैं। नहीं मिलेगा भाई, 15,000 उधारी तेरा, बहुत हो गया। छोटा गर्लफ्रेंड तो दे दे। नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ तो दे दे भाई, कुछ भी नहीं। अरे तेरा देगा सारा पैसा, देगा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। अरे दे दे भाई। नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कर रहा है? ए इधर आ, इधर ये ले पी, आखिरी बार दे रहा है। सुफियान डबल मिल जाए, अबे तू तो गोल्फ लेक पीता था बे, ये बीड़ी भी कब से आ गया? क्या कर यार, दिमाग का बोझ रहा हूँ। अबे क्या यार, अबे तू तो डायरेक्टर के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखता था ना? लिखता है बीबी पर कुछ नहीं हो रहा यार। बार बार भेज रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। एक आइस भेज दे तुम।
हेलो, कहाँ हो? घर पे। घर पे? इनसे हम मिलने वाले थे ना आज। अरे सो सॉरी यार, एक थोड़ा काम में बिजी था इसलिए याद ही नहीं रहा मेरे को। क्या बिजी? मुझे अभी तुमसे मिलना है। अभी? बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। उसका ना भी टाइम देख क्या हुआ है, कर मिलते हैं ना। मुझे नहीं पता, मैं बंकर्स में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, तुम जल्दी से आओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा सुनो ना। बोलो। मेरे साथ ना कुछ अजीब ही हो रहा है रे। अजीब? हाँ मतलब जब भी मैं अपना स्क्रिप्ट मेल करता हूँ ना तो दरवाज़ा ना अपने आप आधा खुलता है आधा बंद होता है। क्या? दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है? हाँ अरे मतलब अभी तक मैंने जितने भी स्क्रिप्ट भेजे हैं ना, जब भी एंटर करते हो तभी दरवाजा आधा ओपन होता है आधा बंद होता है। मतलब इनसे तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम ना पागल हो गए हो। देखो मैं कुछ नहीं जानती, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, तुम जल्दी से आओ। बाय। काम कर रहा था सुबह से इसलिए लेट हो गया। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें नहीं लगता दिन ब दिन तुम बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो? सुबह से स्क्रिप्ट लिख रहा था यार, इसलिए ध्यान भी नहीं रहा मेरे। बहुत बदल गए हो तुम, लिख लिख करना दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पूरी तरह से पागल हो चुके हो तुम। और ये क्या सुबह से दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है खुल रहा है बंद हो रहा है लगा रखा है? इन सारी चीज़ों के लिए तो टाइम है तुम्हारे पास, मेरे लिए ज़रा सा भी वक्त है? ऐसा नहीं रे, तुझे पता है मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा ही है इंजी, तुम हवा खाई अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो इन सारी चीजों में। क्या मिला क्या है तुम्हें आज तक ये सब चीजें करके? बस वो तो फालतू से अवार्ड्स। हाँ तू समझ क्यों नहीं रही, मैं कर रहा हूँ ना ट्राई। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हालात अभी पहले जैसे नहीं रहे, तुम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम भी जानते हो ना तुम्हारे पास जॉब है और ना ही पढ़ाई पूरी की है तुमने, कैसे चलेगा ये सब? उसका मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। और कितना वक्त दो तुम्हें इंसी? मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे चुकी हूँ और मुझे लगता है कि अब हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है। अरे तो जो भी हमें यही खत्म करना होगा। ऐसे कैसे खत्म? मेरी बात सुनो, हम करते ना सॉल्व सब, उसका हम सब सॉल्व करेंगे प्लीज। उसका बात सुनो, उसका मुस्कान हम करते हैं ना सॉल्व। मुस्कान छोड़ो इजी मेरा, मुस्कान बात सुन ना मेरी, मुस्कान प्लीज मुस्कान। अगले हफ्ते मैं जर्मनी जा रही हूँ मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता आज के बाद हम कभी भी मिल पाएंगे। मुस्कान ऐसे मत बोल मुस्कान। अरे इस बात को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो कर लो। नहीं मुस्कान, अरे तू समझ क्यों नहीं रही मुस्कान, मैं कर रहा हूँ ना ट्राई। छोड़ो मेरा इजी। मुस्कान प्लीज मेरी बात सुन, मुस्कान 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 प्लीज सुनो ना मुस्कान, मुस्कान बात सुनो मुस्कान।
अरे तो जिंदगी भर कोशिश ही करता रहेगा, चार पैसे कमा के घर भी लाएगा। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे अब्बू से ही सीखा है वो ये सब। तुम भी जानते हो ना, तुम्हारे पास जॉब है और ना ही पढ़ाई पूरी की है तुमने। मुझे लगता है कि अब होगा ना आगे कोई फ्यूचर नहीं है। मुस्कान, ये जो कीमत तुमने खुद की लगाई है, यकीन करो तुम उससे कई ज़्यादा कीमती हो। कोई भी चीज़ फिजूल की नहीं होती, और तुम तो हो अनगिनत मोती। फिर क्यों तुमने खुद को इस तरह तोला कि समाज ने ना जाने तुम्हें क्या क्या बोला। Sir, are you there?